यूएनएलएन के बहादुर संघर्ष साथियों, आज इस सदन के सभा के अध्यक्ष मंडली, हमारे जो उड़ीसा के प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व रहा, जो संघर्ष जनसंघर्ष के साथ रहे, राजी भक्तचरण जी, हमारे जनाधिकार आंदोलन, भूमि अधिकार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के, जन आंदोलन के, समाज में संगठन के अग्रणी साथी बेहरा जी, कानून की गलियारों में आंदोलन की बात लड़ने वाले भाई संजय पारी जी, प्रफुल्ल सामंत जी ने जो खास करके आह्वान देके हमें लाए हैं, बुलाए हैं, लिंगराज आजाद भाई यहाँ के प्रमुख नेता और हमारे भाई लिंगराज प्रधान जी और तमाम साथियों को मैं अखिल भारतीय वंश यूनियन और भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। इनका धन्यवाद साथियों, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, किताब है मेरा जी और संजय जी को सुनने के लिए। मैं संक्षेप में अपनी बात रख देता हूँ, एक जिम्मेदारी है। पहली बात को सबसे अहम बात, जहां पर हम खड़े हैं नियमावली के संघर्ष क्रम में, जो देश के अंदर और देश से बाहर भी पूरी परिवार के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ जो जनता की अस्मिता की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, उसका है, उस लड़ाई के मील का पत्थर यहाँ है। और इस जमीन को, यहाँ के लोगों को हम सलाम करते हैं कि तमाम मुश्किल हालातों में भी आपने इकट्ठे होके लड़े हैं। और देश के अंदर कहीं भी इस तरह की परियोजना आ रही है और हो रही है, उसके खिलाफ बड़े छोटे लड़ाई हर जगह चल रही है। और नियमावली के स्थान उसके बड़े प्रमुख है। आप ही संघर्ष से बाकी लड़ाई भी प्रेरित हो रहे और एक संबंध बन रहे और बन चुके हैं, जिसके कारण आज देश के सारे लोग आज की सभा के ऊपर ताक रहे हैं, देख रहे हैं क्या चर्चा हो रही है। और हम लोग इसी बात के लिए यहाँ पे आपके साथ अपना मोर्चा बंदी में आए हैं। सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है हमें कि संघर्ष में सबसे अहम बात कि एक बड़े कंपनी, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, जिसके साथ उड़ीसा के पूरी सरकार, बड़े शक्तिशाली सरकार और तमाम आमला लोग एक तरफ है और एक तरफ यहाँ की ग्राम सभा है। ग्राम सभा के साथ कंपनी की लड़ाई में जो निर्णायक फैसले आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले ग्राम सभा के लोगों ने फैसला कर दिए थे। उस बात को ध्यान रखना है कि ग्राम सभा की ताकत अगर है तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में, संसद में, सब जगह हमारी ताकत है। अगर ग्राम सभा में हम मजबूत नहीं है, ग्राम सभा की लड़ाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, बड़े बड़े नेता हो, कुछ नहीं कर सकते। फैसला होते हैं, बड़े बड़े हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं, बड़े बड़े नेता लोग ऐलान करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं ला सकते। वो लंबी फिरिस्त है, मैं नहीं जाऊंगा, साथी लोग बता देंगे। फैसला वही लागू होते हैं जहां के लोग नीचे खड़े होके, इकट्ठे होके संघर्ष कर रहे हैं और उसी फैसले के नए इतिहास तैयार होते हैं जो देश में बन रही है। नियमागिरी के संघर्ष उस इतिहास में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। इस उम्मीद के साथ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और इस संघर्ष को जारी रखना है और देश के तमाम संघर्ष को जारी रखना है। नया इतिहास बनने जा रही है, उस इतिहास के केंद्र में राज
कंपनी नहीं रहेंगे, लोग रहेंगे। वो लोग जिसकी पिछले 60-70 साल से आजादी के बाद हमें पैसा नहीं दिए, हमारे संवैधानिक अधिकार मान्यता के बावजूद हमारे जो सरकार है, हमारे जो बड़े ताकतवर लोग हैं, मीडिया है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया, वो सत्ता के तरफ ही गए। इन सत्ता को चुनौती देने वाले नई जनशक्ति के जो वार हो रहे हैं, आजादी के बाद एक नई आजादी की लड़ाई चल रही है, उसमें नियमावली के संघर्ष एक महत्वपूर्ण जगह रखती है। और हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि नियमावली की लड़ाई हमको एक आगे की रास्ता दिखाएंगे। और हम सब ये लड़ाई केवल उड़ीसा के इस कोने में नहीं है, ये लड़ाई सारे देश में है। हम सब मिलकर तमाम संघर्ष मिलकर इस लड़ाई को सफल के स्तर पर अखिल भारतीय स्तर पर लड़ेंगे। ये लड़ाई बड़ी जगह की लड़ाई नहीं है, ये पूरी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, पूरी दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, दमन के खिलाफ लड़ाई है। जो दमन आपने सहा, आज तमाम आंदोलनों के ऊपर इस तरह की दमन हो रहा है। जो साथी बताया जो एनकाउंटर की लोगों के ऊपर झूठे केस लगाना, उनको तंग करना, ये आम बात होगी। सरकार हार कभी नहीं हारना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में किसियाने बिल्ली खंभा को नोचे। जब लड़ाई में हार जाते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि वो लोगों को तंग करता रहे। इन सारे लड़ाइयों को हमें इकट्ठा लड़नी है। हम यही अपील आपसे करते हैं कि आप अपनी लड़ाई को देश की अन्य लड़ाई के साथ जोड़ के देखिए, देश की अन्य लड़ाई भी आपके साथ जोड़ के देखेंगे, और इससे हम न्याय की आवश्यकता करेंगे। इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।